नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें प्लेन क्रैश होने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 2 भारतीय ट्रेनी पायलट की भी मौत हो गई। कनाडा में हुए प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले पायलटों की पहचान अभय गडरू और यश विजय के रूप में हुई है। ये दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे। मुंबई के 2 परिवारों को शनिवार को ये बुरी खबर मिली जब उन्हें बताया गया कि एक दिन पहले कनाडा में एक विमान दुर्घटना में मारे गए 3 लोगों में उनके जवान बेटे भी शामिल थे। बता दें कि दोनों ट्रेनी पायलट एक छोटे डबल इंजन वाले हल्के विमान पाइपर PA-34 सेनेका में सवार थे, जो ब्रिटिश कोलंबिया में वैकुंवर के करीब चिलीवेक में स्थानीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ट्रेनिंग के लिए कनाडा जाने से पहले अभय एवरशाइन इलाके में कृष्णवंदन सोसाइटी में रहते थे। उनके पड़ोसी वैभव गोयल ने कहा कि पड़ोस में हर किसी के मन में अभय के बारे में बहुत अच्छी यादें हैं और उनकी मौत की खबर से पूरी सोसाइटी शोक में डूब गई है। विमान हादसे में मरने वाले पायलटों में से एक के पड़ोसी ने कहा कि शव को वापस लाने के प्रयास किया जा रहे हैं। मृतक पायलट अभय के पड़ोसी वैभव गोयल ने कहा, हमें शनिवार सुबह 5 बजे फ़ोन आया तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि अभय के साथ ऐसा कुछ हुआ है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।